नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरिया जिले में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवरहा बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष शिवहरि द्वारा सावन महीने के तीसरे सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्वप्रथम प्रेमाबाग मंदिर के समीप गेज नदी से कावड़िए कलश में जल भरकर छुरी पहाड़ में स्थित छुरी धाम के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि गेज नदी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित छुरी पहाड़ में शिव मंदिर में जल अभिषेक किया जाता है। जैसा कि मान्यता है कि भगवान शिव को बेल के पत्ते सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, और जिस छुरी पहाड़ में शिव मंदिर स्थित है वहां पर पूरा पहाड़ बेल के पेड़ से भरा हुआ है। वहीं इस विषय में देवरहा बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेश सिबहरे ने बताया कि 15 साल से यहां की स्थानीय छुरी धाम समिति द्वारा यहां पर मेला का आयोजन किया जाता है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। बोल बम हर हर महादेव। आज श्रावण के पवित्र मास के तीसरे सोमवार को, जैसा कि आप देख रहे हैं, 30,000 से 35,000 लोगों की यहाँ पर संख्या है, और आशा है कि शाम होते होते संख्या कहीं अर्धशतक ना पहुँच जाए, क्योंकि बाबा की जैसी कृपा है वैसा ही वातावरण है। और इस दुरूह क्षेत्र में जहाँ पर लोगों का चलना फिरना मुश्किल था, ईश्वर की प्रेरणा, सुंदर सिंह भंडारी जी का स्वप्न को देखते हुए देवराहा सेवा समिति प्रेमाबाग के द्वारा जन सहयोग के माध्यम से यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कराया गया, जिससे आज ये यात्रा सुगम हो सकी है। भैया, बहुत पहले हमारे सुंदर सिंह भंडारी बाबा ने सपना देखा था इस जाम पानी के पहाड़ पर, कि यहाँ पर भविष्य में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनेगा और बहुत बड़ा मेला लगेगा। और बाबा आज हमारे बीच नहीं है, नहीं तो उनके बताए रास्ते पर देवराहा सेवा समिति आज 25 वर्षों से कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसमें सभी क्षेत्रवासी गांववासी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और आप खुद भी देख रहे हैं लोग स्वयंफूर्त नाचते गाते पैदल बैकुंठपुर से कांवड़ लेके जगह जगह से पूरे हमारे संभाग के लोग आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली जगह ऐसा नजारा है कि जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये पूरे औषधि पौधों से और बेलों का बाग, जो भगवान भोलेनाथ को बेल बहुत प्रिय है, और उसी भोलेनाथ को आज सभी अभी यहाँ जल चढ़ाने सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष हम सभी आते हैं। और भगवान का आशीर्वाद रहेगा, भोले शंकर भंडारी का, इसी प्रकार ये मेला सदैव आगे बढ़ते रहेगा, और क्षेत्र के लोगों को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद दे, जो उनके लिए उनकी पूजा के लिए इतना कष्ट सह के उनके दरबार में अपनी हाजिर लगा रहे हैं।